देश में जनतंत्र का जो महापर्व है, जो विधानसभा का चुनाव है, वो तेलंगाना में कल संपन्न हो गया। 5 राज्यों में चुनाव हुए, लगभग पूरे 30 दिनों तक मिजोरम से जो कारवा चला था वो तेलंगाना में आके थमा। अब बहुत जल्द पूरा देश अप्रैल और मई महीना का इंतज़ार कर रहा है कि जो विगत 10 वर्षों का जो यातना रहा, हर प्रकार से, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं का हो, मानविक संवेदनाओं का हो, आर्थिक और सांस्कृतिक जो हमले हुए, सबसे हमको लगता है कि मुक्ति का जो सबसे बड़ा हथियार है वो संविधान ने हम लोगों को दिया है कि हम अपने 545 जनप्रतिनिधि को चुनकर संसद भेजते हैं लोकसभा के अंदर, और उसके बाद केंद्र सरकार का गठन होता है और उसकी जो नीतियां हैं वो देश के 144 करोड़ लोगों का भाग्य का निर्धारण करता है कि उनकी जीवन यापन क्या होगी, रोजगार क्या होगा, देश की समृद्धि उन्नति कैसी होगी, इसकी एक रोड मैप बनती। लेकिन ये जो 5 राज्य का चुनाव है, जो राजनीतिक कार्यकर्ता होने के कारण जो अन्य राज्यों के जो राजनीतिक कार्यकर्ता है उनके साथ एक स्वाभाविक संबंध है हम लोगों का पूरे देश भर में, उसमें जो बातें छनकर आ रही हैं कि सभी 5 राज्यों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बनाने का पूरा निर्णय ले लिया है। 5 राज्यों ने कहा एग्जिट बीजेपी। मिजोरम का जो स्पष्ट संकेत है कि देश के जो खासकर उत्तर पूर्व के और पूरे देश के जो आदिवासी समाज है उन पर भाजपा का जो बर्बर अत्याचार और शासन का एक लंबा दौर रहा है उसके खिलाफ मिजोरम ने अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कड़ा संदेश दिया कि मणिपुर में जो आग आपने लगवाया, आपकी सरकार ने लगवाई, उससे लोग केवल आहत नहीं हैं, लोगों ने ठान लिया है कि हमको अब क्या करना है, अपना रास्ता हमको क्या चुनना है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ी समुदाय आदिवासियों की है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, तेलंगाना में, आदिवासियों के साथ साथ सभी मूलवासियों ने ये फैसला ले लिया था बहुत पहले ही, जिसकी बात हम लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का शासन को समाप्त करना है। उस दिशा में लोगों ने अपनी बातें कही है और उसका प्रत्यक्ष जो फल है वो औपचारिक तौर पर 3 तारीख को सामने आएगा। साथ साथ आप लोग देख भी रहे हैं कि जो बौखलाहट
भाजपा के नेताओं में मची है। कल आपने देखा होगा कि देवघर में इफको का जो नैनो प्लांट है उसका निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मंत्री गए थे स्थानीय सांसद के साथ। हमको लगता है कि पिछले 10 वर्षों में वहां पर किसी केंद्रीय मंत्री का यह तीसरा दौरा था। अब उसमें क्या स्वार्थ है हमको नहीं मालूम, लेकिन विगत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सभी तरह के केंद्रीय मंत्री झारखंड आए, लेकिन एचईसी का दौरा किसी ने नहीं किया। एचईसी का दौरा इसलिए नहीं किया कि यदि एचईसी का अस्तित्व यदि आंखों से दिखेगा तो कितना भी निर्दयी व्यक्ति हो वो अपनी पीड़ा को छुपा नहीं पाएगा, कितना भी निर्दयी हो। वहां जो बिलखते परिवार है, जो भूख की आग है, और आप आंकड़े देख लीजिए कि पिछले 1 साल के दौरान आपको सरकारी रोजगार कुल मिलाकर 1 लाख के करीब लोगों को हम लोगों ने नियोजित किया है। 2 साल तक की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन चाहे वो कृषि पदाधिकारी हो, डॉक्टर्स हो, मैजिस्ट्रेट्स हो, लॉ ऑफिसर्स हो, जेपीएससी का माध्यम से हो, और भी कई जो हम लोगों ने खिलाड़ियों को नौकरी दी है, कुल मिलाकर आप यदि देखेंगे, पैरा मेडिकल जो नर्सेस को नौकरी मिला है, तो 1 लाख का अभी तक का हम लोगों का आंकड़ा तो है ही, इससे कोई झुटला नहीं सकता। और अब जिस प्रकार से तैयारी हो रही है एक मुफ्त बहाली की, वो संख्या हमको लगता है कि बहुत बड़ी तादाद बनकर सामने आएगी। जेपीएससी वगैरह, जेपीएससी, जेएसएससी और भी कई तरह की भर्तियां होंगी, टीचर्स की बहाली होंगी, तो ये एक बड़ा साइजेबल नंबर होगा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2024 में आप लोगों के हमारे घोषणा पत्र का जो पन्ना दर पन्ना, जो वाक्य दर वाक्य के साथ हम न्याय कर पाएंगे, इसका मैं आपको भरोसा देता हूँ। रहती है उसके अंदर में जो उसका रीजन का, मतलब उसके स्टेट का जो एस्पिरेशन है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो प्राइमरी होता है। हमको लगता है कि ये बढ़िया तालमेल तभी होता है कि जो एक केंद्र का जो सरकार जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखती है उसका समन्वय, इसी को तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा गया। तो ये एक तरह से समन्वय का काम करेगा। आप रीजनल फोर्स को यदि वहां पर नकार रहे हैं, इसका मतलब आपने रीजनल फोर्स के एस्पिरेशन को अपने आप में समाया है। तो इसलिए ये कोई थ्रेट नहीं होता है। वो सरकार अब विचार करेगी, अब बहुत हम लोगों के लिए एक आज शुभ दिन भी है कि हमारे मजदूर भाई लौट कर आ रहे हैं। हमको तो लगता है कि मौत के मुंह से ही निकल कर आए हैं, तो उनको पहले स्वागत तो कर लेने दीजिए। आप शादी ब्याह का भी मौसम चल रहा है, पहले तो स्वागत होता है अतिथियों का, और ये तो घर के लोग हैं, उसके बाद ना मेनू कार्ड के तरफ आ जाते हैं।
कि क्या क्या मेनू है। आने दीजिए, एक एक और। आपने कहा किसी राज्य में बीजेपी नहीं आ रही है, ये एक बड़ा आधार तो आपके पास इनपुट्स क्या है कि कहीं नहीं है बीजेपी और जो एग्जिट पोल है वो फेक है? या मैं किसी एग्जिट पोल पे कोई टिप्पणी नहीं कह रहा हूँ। मैंने एक कार्यकर्ता होने के कारण अपने जो संबंधित जो मित्र हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, समाजशास्त्री हैं, उनसे जो बातें हुई उसके आधार पर कह रहा हूँ कि पांच राज्यों का नारा था एग्जिट बीजेपी। अच्छा दादा, ये जो